मध्य प्रदेश का इंदौर शहर जो एक बार फिर स्वच्छता में चौका लगाने की तैयारी कर रहा है, इस तैयारी के बीच निगम क्षेत्र के अरविंदो अस्पताल के सामने अवैध अतिक्रमणों को नाली नालों को साफ करने के लिए हटाया तो वहीं कई कहानियां सामने आई। एक तरफ तो अवैध दुकानों के चलते बेशुमार गंदगी हो रही थी, वहीं सफाई कार्य पूर्ण भी नहीं हुआ और अतिक्रमण के दिन शेड फिर खड़े हो गए जो शायद निगम अधिकारियों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। इंदौर उज्जैन रोड स्थित अरविंदो अस्पताल के सामने वैसे ही जनता का हुजूम लगा रहता है, लेकिन यहां अवैध रूप से अतिक्रमण हो रहे हैं और अस्पताल के गेट के पास ही बेशुमार गंदगी का आलम है। लंबे समय बाद अवैध दुकानों को पीछे निकाली गई ड्रेनेज लाइन की सफाई होने पर निगम ने अतिक्रमण हटाया था और बेतहाशा गाद निकाली थी। वहीं शायद निगम अधिकारी इन दुकानदारों को फिर अतिक्रमण करने की मना करने की बात भूल चुके होंगे और फिर हो सकता है कि अवैध कार्य करने वालों के लिए निगम ने नालियों की सफाई कर दी है, क्योंकि यहाँ पर फिर से अवैध अतिक्रमण हो गया है। बताया जा रहा है कि अस्पताल के सामने अवैध रूप से लगने वाली दुकानों के कारण रोज जाम की स्थिति तो बनती है, साथ ही यहाँ पर दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। क्षेत्र में रहने वाले कांग्रेस नेता प्रदीप गिरी ने नगर निगम अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि स्वच्छता में ऐसे कैसे चौका लगेगा, जबकि ऊपरी तौर पर अवार्ड लेना अलग बात है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई कार्य यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि असामाजिक तत्व यहाँ अपनी गुमठियां रखते हैं और उनसे पैसे वसूल रहे हैं, जिस पर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता। और इसी तरह क्षेत्र के दुकानदार मुकेश पटेल के भी मुताबिक पूरे फुटपाथ पर अवैध कब्जा होता है, जिसके कारण ये जाम की स्थिति बनी रहती है।